नमस्कार, मेरा नाम है रंजन अभिषेक और आप देख रहे हैं 10 न्यूज नेटवर्क। राकेश सोनकर जी हमारे साथ, इनका परिचय कुछ यूं है कि ये कोरोना योद्धा हैं और हंगर वॉरियर कहा जाता है इन्हें दिल्ली में और देश भर में। इसका कारण ये है कि कोरोना के विपरीत समय में जब पूरी देश और दुनिया त्राहिमाम कर रही थी, अपने अपनों का साथ छोड़ रहे थे, उस समय इन्होंने एक ऐसी यात्रा शुरू की। इनकी एक वो योजना जो वास्तव में जो भारत की आत्मा है, वसुधैव कुटुंबकम, भारत की आत्मा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसको आत्मसात करते हुए इन्होंने भूखे लोगों को भोजन करवाना शुरू किया। और उस समय वो योजना एक कुछ समय के लिए, निहित समय के लिए तय किया गया था, लेकिन अब जब कई वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आज भी माता की असीम कृपा से वो अनवरत चलते आ रहा है। तो हम राकेश जी से ही बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो 10 न्यूज में बहुत स्वागत है आपका। कहां से प्रेरणा मिली इतने बड़े काम को शुरू करने के लिए? एक्चुअली क्या है कि कालका प्राचीन महाकाली मंदिर है कोटला मुबारकपुर के अंदर, वहां पर शुरू में प्रेरणा जो हमें दी थी मोदी जी ने, एक ये चीज दी थी कि भई एक कुछ लोग जो घर के अंदर 5 लोग हैं, अगर 5 नहीं आते तो एक जना आ जाए और सबके लिए खाना लेके चले जाए। उसी टाइम से फिर बहन मीनाक्षी लेखी के साथ मैं जुड़ा हुआ था, तो बहन मीनाक्षी लेखी ने मेरी सपोर्ट करी स्टार्टिंग में। उसके बाद हमने वहाँ पर लंगर स्टार्ट किया 2 बजे से 4 बजे तक, 500-700 लोगों को हम खाना देते थे। और जो बर्तन लेके आ रहा है, बर्तन में उन्होंने पैक करके जितना चाहे खाना ले जाओ, पॉलिथीन में हम खाना नहीं देते थे। सुनकर एक बात तो ये भी है, जब आपने शुरू किया होगा तो एक समय आपने रखा 2 महीने या 4 महीने या साल भर के लिए, वो अब तक जो चलते आ रहा है, तो ये क्या इसे माता रानी की कृपा मानते हैं क्या है? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, जिस टाइम हमने सोचा था कि जब तक कोरोना है वो जब तक ही करना है, लेकिन कोरोना के बाद लोग परमानेंट जैसे आने लगे और वो उम्मीद से होने लगी। दूसरा, माई से जैसे मैं जुड़ा हूँ, माई ने मुझे कुछ ऐसी प्रेरणा दी, और मैं पहले भी कोरोना से पहले मैंने सोचा था कि बाई चांस मंदिर में अगर कहीं मैं इस लायक होऊंगा तो एक टाइम का मैं पहले एक टाइम का करूंगा, जैसे गुरुद्वारों में लंगर चलता है वैसे मंदिर में मैं स्टार्ट रखूंगा। तो जब ये स्टार्ट हो गया तो माई की कृपा से मेरा फिर मन हुआ ही नहीं कि इसको बंद नहीं करना, और अभी भी मेरा मन ये है कि जब तक मैं जीवित हूँ तो शायद ये चलेगा और आगे भी चलेगा, वो तो ऊपर वाला माँ काल का माई जानती है। एक बहुत अच्छी बात है, उन लोगों के लिए संदेश भी है, और मैं आपके माध्यम से ही वो संदेश जानना चाहूंगा कि जो लोग कुछ करना चाहते हैं इस तरीके के समाज में, लेकिन चूंकि उन्हें समर्थन नहीं मिल पाता, या वो अकेले होते हैं, या फिर वो इस जद्दोजहद में रहते हैं कि हम किस स्तर से शुरू करें, क्या एक बड़े स्तर पर शुरू करें या छोटे, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे की जा सकती है? मैं तो उन लोगों को यही कहना कि मन के अंदर हिम्मत रख के आप स्टार्ट करो, तो उसके बाद व्यवस्था अपने आप ही चारों तरफ से जुड़ती चली जाती है। एग्जाम्पल जैसे आज की डेट में आप बिलीव करना, हम 5-7 दोस्त यार, मेरे पास बहुत लोग आए कि भाई हमसे पैसे ले लो, मैंने जी मुझे पैसे नहीं चाहिए। हाँ, अगर मैं हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आज की डेट में ये कि कोई सामान खत्म हो गया तो आपको मैं बता दूंगा, तो वो सामान लेके भेज दीजिए। तो इस तरह से प्रेरणा मिलती गई, लोग कुछ जुड़ते रहे, और इस तरह से हम 8-10 दोस्त यार मिले हुए और मिलके माई कर रही है कृपा और चल रहा है। कितनी अच्छी बात है, हम सबों ने सुना जग है जगदीश का। अब आप सोचिए कि ये जो राकेश जी बता रहे हैं, एक निहित समय के लिए इसको शुरू किया गया, 6 महीने 8 महीने साल भर के लिए, अनवरत पिछले लगभग 3-4 वर्षों से ये चलते आ रहे हैं, ज्यादा ही अधिक हो गए, और अब जो संकल्प है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो ये चलेगा ही, और उसके बाद फिर ईश्वर की जैसी इच्छा होगी, ये जीजी भी क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को या उन लोगों को जो अगर सक्षम हैं वो, कि किसी अक्षम व्यक्ति के हाथ पकड़ के उन्हें उठाया जा सके, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश दूंगा कि भगवान ने अगर किसी को सक्षम बना रखा है तो कोई ना कोई इस तरह का सिस्टम स्टार्ट करे। देखो बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते हुए भी उनको चाहिए, लेकिन कुछ अब जैसे हमारे मंदिर, माई के मंदिर पे आते हैं लोग, आप बिलीव करोगे कुछ लोग तो शुरू से कोरोना के टाइम से ही आते हैं और वो दुआ देते हैं कि भाई, कुछ बुजुर्ग आते हैं कुछ, और कोरोना में भी कुछ बुजुर्ग फैमिली हस्बैंड वाइफ आते थे और वो आते थे, और वो अभी भी आते हैं और आज भी वो खाना पैक करके बर्तन में लेके जाते हैं, तो उसको देख के एक अलग से प्रेरणा खुशी होती है कि यार कहीं किसी को अच्छा मिल रहा है, और हो सकता है कि, और जो इस तरह से खाना लेने आ रहा है तो वो जेन्युइन उसको चाहिए तभी वो लेने आ रहा है, नहीं तो वो इस तरह से नहीं आते। इसीलिए मैं तो ये हर किसी को, भाइयों को ये मैसेज दूंगा कि भैया अगर आप सक्षम हो
तो इस तरह की कोई ना कोई मुहिम स्टार्ट करें कि भाई दोपहर का खाना कर, जरूरी नहीं है आपने 200-400 लोगों को, एक स्टार्ट करो 50 लोगों से, फिर आगे आगे बढ़ता जाएगा, ऊपर वाला अगर आपको कृपा करेगा तो उसकी आप सोच भी नहीं सकते। बहुत धन्यवाद राकेश जी टेनिस में बात करने के लिए। और अगर ईश्वर ने आपको सक्षम बनाया कि आप कुछ दे सकते हैं तो ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करिए कि देने वालों की कतार में आपको उन्होंने खड़ा किया है, और प्रयास करिए कि आपके आसपास जो लोग हैं जिन्हें वास्तव में आवश्यकता है उनका हाथ पकड़िए, उन्हें खड़ा करिए। यही वास्तव में मानवता और भारतीयता का धर्म भी है। कैमरा पर्सन ब्रजेश के साथ रंजन अभिषेक, नई दिल्ली।